हेलो चिल्ड्रेन, यह कक्षा पंचम की पल्लवी नामक संस्कृत पुस्तक है जिसमें द्वितीय पाठ का अध्ययन कराया जा चुका है आपको। आज मैं आपको इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ, जिसमें कि प्रथम प्रश्न है आपका उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करना है इन वर्णों के, आपको शुद्ध और स्पष्ट ढंग से उच्चारण करना है। द्वितीय प्रश्न है आपका अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है इसमें आप लोगों को, जिसमें कि प्रश्न क है आपका अमर शक्ति कस्य स्थानस्य नृपति आसीत, जिसका उत्तर होगा अमर शक्ति महिला रौप्य स्थानस्य नृपति आसीत। प्रश्न ख अमर शक्ति कति पुत्र आसन, उत्तर होगा अमर शक्ति त्रयः पुत्रः आसन। प्रश्न ग सह स्वसचिवान किम उवाच, उत्तर होगा सह स्वसचिवान उवाच भो सचिवा यूयम अवगच्छत यत् ममैते पुत्रः शास्त्र अभिमुख सन्ति एतान अवलोक्य अहम राज्य अपि सुखम न अनुभवामि तदभूयम किमपि। ये प्रश्न, इस प्रश्न के उत्तर बहुत दीर्घ हो रहा था, इसलिए आप लोग इस प्रश्न के उत्तर इस पैराग्राफ से लिख लीजिएगा। तद्भूयम् किम् अपि उपायम् कुरुतः एन एतेषां बुद्ध प्रकाशः भवतु, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा हो जाएगा इस उत्तर। घ प्रश्न है आपका अमर शक्ति विष्णु शर्मेण किम् निवेदयत, उत्तर होगा अमर शक्ति विष्णु शर्मेण निवेदयत भगवान कृपया मम एतान पुत्रान शीघ्र योग्यान करिष्यसि तदा अहम युष्मभ्यम अति द्रव्यम दास्यामि। प्रश्न अंग विष्णु शर्मा कस्य ग्रंथ रचयति, उत्तर होगा विष्णु शर्मा पंचतंत्रम ग्रंथम रचयति। तृतीय प्रश्न होगा आपका रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी रिक्त स्थानों को पूरा करना है आप लोगों को, जिसमें कि क है, क में होगा शास्त्र विमुख, ख में होगा विद्याया, ग में होगा महिला रौप्य, घ में होगा शीघ्रमेव, अंग में होगा पंचतंत्रम, च में होगा पादपान। चतुर्थ प्रश्न है आपका हिंदी अनुवादम कुरुत, यानी हिंदी में अनुवाद करना है इसमें, जिसमें कि क नंबर है आपका तत्र अमर शक्ति नाम नृपति अभवत, जिसका हिंदी अनुवाद होगा वहाँ अमर शक्ति नाम का राजा हुआ। ख नंबर है आपका अमर शक्ति महान पंडित आसीत, हिंदी अनुवाद होगा अमर शक्ति महान पंडित था। ग होगा आपका नृपते त्रयः पुत्रः आसन, जिसका हिंदी अनुवाद होगा राजा के तीन पुत्र थे। ग नंबर है, घ नंबर है आपका विष्णु शर्मा अपि पंचतंत्रम नामक ग्रंथम रचयति, हिंदी अनुवाद होगा विष्णु शर्मा ने भी पंचतंत्र नामक ग्रंथ की रचना की। अंग है सुमति नाम सचिव अवदत, हिंदी अनुवाद होगा सुमति नाम का सचिव बोला। पंचम प्रश्न है आपका संस्कृत अनुवादम कुरु, यानी संस्कृत में अनुवाद कीजिए, जिसमें कि क है आपका अमर शक्ति के तीन पुत्र थे, जिसका संस्कृत अनुवाद होगा अमर शक्ति त्रयः पुत्रः आसन। ख है अमर शक्ति नाम का एक राजा था, जिसका संस्कृत अनुवाद होगा अमर शक्ति नाम एक नृपः आसीत। ग है आपका विष्णु शर्मा प्रकांड पंडित था, जिसका संस्कृत अनुवाद होगा विष्णु शर्मा प्रकांड पंडितः आसीत। घ है राजा ने विष्णु शर्मा को पुत्र समर्पित किए, जिसका संस्कृत अनुवाद होगा नृपते विष्णु शर्मां पुत्रान समर्पयतः। अंग है आपका वे छह महीनों में विद्वान हो गए, जिसका संस्कृत अनुवाद होगा ते षड्मासः विद्वानः अभवत्। षष्ठा प्रश्न है आपका उचित विकल्प चिन्ह प्रदर्शयत, यानी सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, जिसमें कि क है नृपति किम नाम आसीत, यानी राजा का क्या नाम था, तो इसमें आप लोग अमर शक्ति पर सही का निशान लगाएंगे। ख है सचिव नाम किम आसीत, सचिव का नाम क्या था, सचिव का नाम सुमित था, तो आप लोग सुमित पर सही का निशान लगाएंगे। ग है महिला रौप्यम नाम नगर कुत्र स्थित अस्ति, यानी महिला रौप्य नाम
का नगर कहाँ स्थित है? तो जिसका उत्तर होगा दक्षिणात्य जनपदे। तो आप लोग दक्षिणात्य जनपदे पर सही का निशान लगाएंगे। घ नंबर है आपका, नृपति पुत्रा कथम आसन, राजा के पुत्र कैसे थे? तो आप लोगों को विद्याहीना पर सही का निशान लगाना है। अंग है कीटो अपि कस्य संगति कुर्वन्ति, यानी कीड़ों की संगति कौन करते हैं? तो हो जाए, यानी कीट किसकी संगति करते हैं? तो इसमें आप लोग लिखेंगे उभव, यानी कुष्माणी पुष्पाणी, तो होगा इसका उभव। तो आप लोग उभव पर सही का निशान लगाएंगे। सप्तम प्रश्न है आपका, अधोलिखितानाम पदानाम स्ववाक्य प्रयोगम कुरुत, यानी निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप लोग इसका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। इस अभ्यास को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा, इसका अध्ययन और स्मरण भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले पाठ में। जय हिंद, जय भारत।